मामास किचन। आज की हमारी रेसिपी है सूरत की फेमस स्वीट डिश घारी। उसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है खोया, पिस्ताचो पाउडर, कार्डमम पाउडर, आलमंड पाउडर, ग्राम फ्लावर, ऑल पर्पस फ्लावर, शुगर और सेफ्रॉन एंड मिल्क। फर्स्ट हमें घारी के लिए एक डो तैयार करना है। जो मैंने ऑल पर्पस फ्लावर लिया है उसका हम अब डो तैयार करेंगे। उसमें अब 1-3 टेबलस्पून घी डालेंगे, फिर उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसमें ज़्यादा घी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी घारी है तलने के समय फट सकती है। फिर उसमें थोड़ा सा मैं मिल्क डालूंगी। इसको पानी से भी हम गूंद सकते हैं, मगर मैंने यहाँ मिल्क लिया है। अब हमारा डो है वो रेडी है। ना ही वो सख्त है और ना ही नरम है, उसे मीडियम रखना है, बस ऐसे रखना है। और उसे हम ढक के 20-25 मिनट तक रेस्ट देंगे। घारी के लिए फर्स्ट हमें 1 टेबलस्पून घी लेना है, फिर उसमें हमने वो ग्राम फ्लावर जो लिया है वो 3 टेबलस्पून मैंने लिया है, उसे हमें सौते करना है, पर उसे हमने स्लो आंच पे ही करना है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है, बस ऐसे ही हमें सौते करना है। ये ग्राम फ्लावर है वो मैंने लड्डू का जो जाड़ा वाला आता है ना वो लिया है, आप कोई और भी ले सकते हो। इससे घारी में अच्छी बाइंडिंग आती है। अब हमारा ग्राम फ्लावर है वो अब रेडी है सेक के। 1 टेबलस्पून घी डालना है, फिर ये हमने जो खोया लिया है उसे हम उसमें थोड़ा सा भून लेंगे। जो हमने खोया लिया है उसे भी हमें सेकना है, मगर बहुत ही धीमी आंच पे सेकना है कि वो खोया है वो जल ना जाए। मावा को हमने स्लोली स्लोली हिलाते रहना है, फिर जब तक उसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए उसमें से तब तक उसे अच्छी तरह चलाते रहना है। अब देख सकते हैं कि अभी धीरे धीरे जो ऑयल है मावा का वो अब सेपरेट होने लगा है। अब हमारा मावा सेक के रेडी है, उसमें से ऑयल भी अभी सेपरेट सारा कुछ हुआ है तो वो अब रेडी है। हमें इसमें जो मैंने ग्राम फ्लावर सेक के रखा था वो डालना है, पिस्ताचो पाउडर डालना है, आलमंड पाउडर डालना है, जो केसर दूध में भिगो के रखा है वो डालना है। अब हमें इसे अच्छी तरह मिक्स करना है सभी को, फिर बाद में उसे एकदम उसे ठंडा करना है, और फिर ठंडा होने के बाद उसके गोले बना के फिर हम घारी बनाएंगे। अब हमारा जो घारी का अंदर जो फिलिंग हमें भरनी है उसके लिए उसकी स्टफिंग अब रेडी है, पर उसे हमने एकदम ठंडा करना है, और ठंडा होने के बाद फिर उसमें शुगर हमें डालनी है। अब हमारा जो खोया का मिक्सरन है वो अब पूरी तरह ठंडा हो चुका है, और अब उसमें हमें शक्कर डालनी है। फिर उसे हमने मिक्स करना है, और साथ में कार्डमम पाउडर भी डालना है।
और उसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। अब हमें घारी बनाने के लिए एक कोई भी आप स्टील की छोटी कटोरी ले सकते हो। मैंने ये छोटा वाला हाफ कप वाला लिया है, तो उसमें मैं उसे डाल के फिर उसका अंदर का जो फिलिंग से वो गोले बनाऊंगी उसे। तो फिर जो घारी है वो एक समान हो जाएगी। इस तरह से हमें सभी घारी बनानी है ऐसे। अब हमारी घारी के लिए अंदर की जो फिलिंग्स है वो रेडी है। जो मैंने ऑल पर्पज फ्लावर का डो बनाया था उसे हमने गोले कर लिए हैं छोटे छोटे, और उसकी रोटी बेलेंगे, फिर उसमें वो जो घारी का स्टफिंग है वो हम भर देंगे, फिर बाद में उसे हम फ्राई करेंगे। इसकी जो रोटी है वो हमें पतली बनानी है, नहीं थोड़ी सी ज़्यादा, थोड़ी पतली बनानी है, और फिर उसमें हमें स्टफिंग करना है। अब हमने जो जो टिक्की बनाई है मावा की वो उसमें हम डाल देंगे, और उसे ऐसे ऐसे करके हम उसकी घारी बनाएंगे। फिर हम उसे ज़्यादा जो ऊपर का भाग है वो हम निकाल देंगे। अब हमारी घारी रेडी है। अब हमारी जो घारी है वो रेडी है। अब उसे हमें फ्राई करना है। अब हम घारी को घी में फ्राई करेंगे और फिर उसे हम निकाल देंगे फ्राई करके। घारी को हम डायरेक्ट नहीं फ्राई करेंगे, घारी को अब हम ऐसे ही तलेंगे। अगर उसे हमने घी में डाल दिया तो वो फट सकती है, इसीलिए ये ऐसे करके करना बेहतर है। अब हमारी जो घारी है वो फ्राई होके रेडी है। उसे हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, उसे ऐसे ही रखना है। अब हमारी जो घारी है वो सारी फ्राई होके रेडी है। उसे हम अभी 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर बाद में उसके ऊपर हम घी लगाएंगे। अब हमारी जो घारी है वो मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, तो वो अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी है। तो अब उसके ऊपर हम घी का लेयर करेंगे। अब हम उसे, मैंने थोड़ा सा घी लिया है और उसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है, तो उसमें मिला के फिर ये बैटर रेडी किया है, तो उसमें ये मैं डिप करके उसे फिर बाद में फ्रिज में 1/2 घंटे के लिए रख दूँगी। घारी को हमें नीचे घी नहीं लगाना है, उसका ऊपरी लेयर पे लगाना है। अब हमने सारे में घी का लेयर कर दिया है। अब हम उसे गार्निशिंग के लिए पिस्ता से ऊपर रख देंगे। अब हमारी जो घारी है वो रेडी है। उसे 1/2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे और फिर बाद में हम उसे काट कर सर्व करेंगे।